सो गाइज़ कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे फेसबुक आईडी पे कुछ ऐसा फ्रेंड भी रहता है जिसका आईडी डिजेबल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा फ्रेंड हमारे फ्रेंड लिस्ट में रख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाइज़ वो कभी ना हमारा फोटो पे कोई लाइक कमेंट करेगा या फिर कोई रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड को ढूंढ के डिजेबल मतलब जो सा फ्रेंड का आईडी डिजेबल हो चुका है या फिर वो खुद बंद कर दिया है, तो ऐसा आईडी फ्रेंड लिस्ट से हटाने के लिए गाइज़ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप एकदम आसान तरीके से आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने सारे डिजेबल आईडी है और डिजेबल जितना सारा फ्रेंड आईडी है वो सब फ्रेंड आईडी को आप कैसे फाइंड करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो बनाने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये कोई ऐप से करना चाहेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप ये कोई ऐप इस्तेमाल करके वो सब फ्रेंड को फाइंड करेंगे, देन उसके बाद अगर आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर डिलीट कर देंगे, तो आपका जो फेसबुक आईडी है गाइस, आपका फेसबुक आईडी खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए गाइस मैं जो सही तरीका है फेसबुक से आप ये कैसे करेंगे वही आज वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका फेसबुक आईडी पे कोई जरा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस ये करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा फेसबुक। तो यहाँ पे आपको फेसबुक सर्च कर लेना है, मतलब आपको फेसबुक पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, तो अभी आपको करना क्या है ना, यहाँ पे जो थ्री डॉट आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे जो थ्री डॉट पे आपको टैप करना है, तो टैप करके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सेट कर लिया, तो डेस्कटॉप सेट कर लेने के बाद गाइस अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे जो फेसबुक का जो थ्री लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको जाना है। देन यहाँ पे जाने के बाद गाइस ऊपर में जो एक ऑप्शन आपको शो होगा, यहाँ पे जो आईडी का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने यहाँ पे फ्रेंड का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट का सारे फ्रेंड यहाँ पे आ गया, मेरा यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट आ गया, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया सी ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है, सी ऑल फ्रेंड्स वाला ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप टैप करेंगे गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो ऊपर में गाइस यहाँ पे जो लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस लिंक पे आपको एक बार टच करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार टच कर लेता हूँ, तो टच करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो पेंसिल वाला एक ऑप्शन है, पेंसिल पे टच करना है। तो पेंसिल पे टच करने के बाद गाइस ऊपर में जो सब लिखा है यहाँ पे है, ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करना है, आपको बस एकदम पहले जो वर्ड है गाइस एकदम पहले आपको जाना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मतलब यहाँ पे आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आ गया, तो यहाँ पे जो एम लिखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं https://bym, ठीक है। तो ये जो एम है गाइस ये एम आपको यहाँ से हटा देना है, देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेब, ठीक है, WEB, देन आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे ये आपके सामने कंप्यूटर के जैसे आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर जैसे आ गया। तो यहाँ पे आपका जितना सारा फ्रेंड लिस्ट है, जितना सारा फ्रेंड है वो सारे फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है ना कि जो फ्रेंड लिस्ट में आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई डिजेबल आईडी कौन सा है वो आपको फाइंड कर लेना है। तो डिजेबल आईडी आपको पता कैसे चला गया कि कौन सा आईडी डिजेबल आईडी है, तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेंड लिस्ट है मेरा, तो सारे फ्रेंड लिस्ट पे आप यहाँ पे डीपी पे फोटो शो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आईडी है यहाँ पे कोई फोटो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस ये देख के ही पता चल जाएगा गाइस ये जो आईडी है ये आईडी एक्चुअली डिजेबल आईडी है। तो मैं और भी जूम करके आप लोगों को यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो थ्री डॉट है ना, अगर आप दूसरे कोई भी आईडी का थ्री डॉट पे टच करेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप कोई भी थ्री डॉट पे टच करेंगे तो आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएगा, तीन ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये आईडी जो है ये आईडी अभी रनिंग है, ठीक है। तो लेकिन गाइस यहाँ पे जो आईडी है, ये जो आईडी है जहाँ पे डीपी नहीं है, यहाँ पे जो थ्री डॉट है, अगर आप ये थ्री डॉट पे टच करेंगे तो आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन आ जाएगा, वो है अनफ्रेंड का, ठीक है। तो ये जो आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जिस पे डीपी नहीं है, वो थ्री डॉट पे टच करने के साथ साथ गाइस आपको पता चल जाएगा कि ये जो आईडी है ये आईडी अभी बंद हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे करके गाइस आपका जो डिजेबल आईडी है आपके फ्रेंड लिस्ट में जितना सारा डिजेबल आईडी है ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे फाइंड करके बस आपको यहाँ से अनफ्रेंड कर देना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप अनफ्रेंड करेंगे गाइस आपके फेसबुक आईडी पे जरा सभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप किसी ऐप यूज करके ये सब फ्रेंड को एक बार अगर आप अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो आपका फेसबुक आईडी बंद हो सकता है, इसलिए मैंने वो ऐप से ये करने का प्रोसेस जो है गाइस वो मैंने नहीं दिखाया, ठीक है। आपका आईडी पे कोई प्रॉब्लम ना आए गाइस, इसलिए मैंने ये सिंपल से तरीके आपको दिखाया, ठीक है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।